अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्र से और इसका इलाज क्या है, तो इंशाल्लाह पूरी डिटेल मैं आपको दूंगा। आप वीडियो आखिर तक देखिएगा, और जो मेरे दोस्त इस चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन पे प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो पहले तो मैं इसके वजूहात बताऊंगा। वजूहात ये है कि मुर्गियों को डायरिया हो जाता है, ठीक है, मोशन दस्त लग जाते हैं, टाइम पे इलाज ना करने की वजह से इन मुर्गियों की ये हालत हो जाती है, जिसकी वजह से ना ही तो चल पाते हैं ना पी पाते हैं। डेली टू डेली की सारी गजाइत जिसम से गजाइत निकलती जाती है और ना परिंदा या जानवर का सर्वाइव कर जाना। तो इंशाल्लाह इसके लिए दो किस्म की मेडिसिन आती है, या तो इनको मल्टी सप्लीमेंट आप दें, ठीक है, और या तो इंजेक्शन लगवाएं। इंजेक्शन मुख्तलिफ किस्म के इंजेक्शन आते हैं, बूस्टर इंजेक्शन आता है, और मैं जो नॉर्मली यूज़ करता हूँ वो टाइफन इंजेक्शन आता है, ठीक है, वो इंजेक्ट करता हूँ जिससे अच्छा रिजल्ट आ जाता है। तो अभी इसको मैं मल्टी वाइटमिन देता हूँ और फिर देखते हैं क्या रिजल्ट होता है। तो वीडियो के साथ रहिएगा कि मुर्गी बहुत ही लाइट वेट हो चुकी है और कुछ भी नहीं खाया हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं दे रहा हूँ ये पैनाडॉल का सीरप है, और इस पर मैंने थोड़ा सा एथ्रोसिन का कैप्सूल मिक्स कर दिया। तो पहले तो हम ये डोज इसको देंगे बाय इंजेक्शन, मुंह में देंगे ताकि कुछ एनर्जी इसको मिल सके। ये देखिए जी मिक्सचर बनाया हुआ मैंने, चलें ये इसको देते हैं। आपने लेना है जी 1.5 से 2 cc, जितना ये पी सके, ठीक है। ये हो गया इसका एक डोज। दूसरा मैं यूज़ करता हूँ मल्टी वाइटामिन के लिए साइमोस्ट्रेस, बहुत अच्छा है, इसमें सारे मल्टी वाइटामिन्स होते हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इसमें वाइटामिन ए, वाइटामिन बी, वाइटामिन के और वाइटामिन डी सब कुछ होता है, तो ये बेहतरीन डोज है। इस तरह मैंने पानी में थोड़ा सा इसको बना लिया। ये जो इस पर लिखा हुआ है ये 1 ग्राम 1 लीटर पानी में डालना है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं बूस्टर देना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको थोड़े से पानी में मैंने 1 ग्राम डाला, और इंशाल्लाह इस मेडिसिन से उम्मीद है मुर्गी ठीक हो जाएगी विद इन 2 डेज में, 24 to 48 आवर्स में इंशाल्लाह मुर्गी अपने पैरों पे खड़ी होगी। तो अगर इससे आराम ना आया तो फिर इसको हम एक टाइफन का इंजेक्शन लगाएंगे और उससे भी रिजल्ट देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। अमूमन मेरे इसी टेक्निक से तो ठीक हो जाती हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा डिटेल्स। तो चलें देखते हैं मुर्गी कितना रिकवर करती है। और ट्रीटमेंट के बाद मुर्गी की कंडीशन देखिएगा, बिल्कुल ठीक हो गई है और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फिट फाट चल रही है। ये मुर्गी थी जो कि बिल्कुल कमज़ोर हो गई थी, और अब इंशाल्लाह माशाल्लाह इसकी एक्टिविटी देखें, बिल्कुल चल नहीं पा रही थी, हर जगह बैठ जाती थी, थोड़ा सा पढ़ के बैठ जाती थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से खा पी रही है, और बेहतरीन रिजल्ट है इस मेडिसिन का। आप भी इस मेडिसिन को अपनी मुर्गियों पे अप्लाई करें, और कुछ भी आपने पूछना हो, कोई भी सवाल हो मुर्गियों के मुतालिक, ब्रीडिंग के मुतालिक, कास्ट के मुतालिक, आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह मैं मज़ीद वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तो जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ काइंडली सब्सक्राइब करें और मेरे साथ रहें। शुक्रिया, मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।